अब हम लोग देखेंगे एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। कुछ एक मेटल कार्बाइड्स हैं जो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। मीथेन का फॉर्मेशन होता है बेसिकली यहां पे फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स, ठीक है। तो दो मेटल कार्बाइड्स ऐसे होते हैं जो एल्केन, जो मीथेन का प्रिपरेशन कर देते हैं। पहला उसमें होता है, आप बोल सकते हो Al4C3, एल्युमिनियम का कार्बाइड और बेरिलियम का कार्बाइड। तो एल्युमिनियम का कार्बाइड Al4C3 में अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दें, इसमें अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AlOH3+CH4, ठीक है। ये एक बन गया, देखो यहां पर CH4 का फॉर्मेशन हो गया। और बेरिलियम का कार्बाइड के साथ में भी हम लोग सेम रिएक्शन करवा देते हैं। बेरिलियम के कार्बाइड को भी अगर हाइड्रोलाइसिस में हम डाल देते हैं तो वो भी क्या करता है, वो भी करता है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में CH4 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ एक मेटल कार्बाइड्स एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड क्या करता है, मीथेन का फॉर्मेशन कर देता है।